हम आपको एक बार फिर से रूबरू कराते हैं गहलोत मंत्रिमंडल गठन पर। लेटेस्ट अपडेट मंत्रिमंडल गठन की को लेकर सहमति बन चुकी है। सीएम गहलोत डिप्टी सीएम पायलट के बीच सहमति बनी हुई है। कल कुछ नए चेहरे लेंगे मंत्रिमंडल में शपथ। गहलोत मंत्रिमंडल पर दिखेंगे राहुल गांधी के फॉर्मूले की छाया। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम के बीच सहमति बन गई है। ये लेटेस्ट अपडेट है, जहां पे जो राहुल गांधी ने प्रयोग करना चाहते हैं वो भी इसमें शामिल किया गया है। अब जो चेहरे सामने आएंगे उसको देख के मालूम होगा कि 2019 के द्वंद के लिए किस तरीके से राहुल गांधी तैयार हैं और अपने इन योद्धाओं के साथ कैसे वो चुनावी रण में उतरने वाले हैं, क्योंकि कवायद यही चल रही है। इतना अगर बहुत अच्छी शानदार मुलाकात होगी। हम तो मंत्री पद में अंदर तो मैं तो अकेला ही था। अच्छा बाबूलाल जी, हम आपको मंत्री पद में देख रहे हैं यानी अब। ये मुझे वो तो ये काम तो राहुल जी का और जो मुख्यमंत्री जी उनका। अच्छा, ये लंबा वक्त क्यों लगा? कह रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव यहाँ पर। लंबा नहीं है, 7 दिन तो है। वसुंधरा जी के तो 13 दिन से किया। हाँ, विपक्ष यही कह रही है कि वो बार बार हमारा उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन हम तो शादी में कर देंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और अब आगे और कौन कौन से हमें वो चेहरे नजर आ सकते हैं, कुछ अगर आप कहना चाहें तो? कोई जानकारी नहीं है मुझे अपने बारे में, लेकिन श्योर है मैं कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी जाने, राहुल जी जाने। अच्छा, दो खेमा हुआ क्या इसकी वजह से? कोई खेमा नहीं, नो खेमा, ओनली वन खेमा, कांग्रेस खेमा, राहुल गांधी का खेमा। तो अनुभव या युवा जोश किसे तरजीह देने? दोनों को, सबको तरजीह देंगे, अनुभव को देंगे और युवा को दे रहे, दोनों देने। एक युवा है, एक अब आपके बैठ का काम हो गया। हमारे साथ राजस्थान